जिंदाबाद मंच पे उपस्थित सम्मानित नेतागण, देवतुल्य जनता, सम्मानित कार्यकर्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। ये चुनाव मैंने नहीं लड़ा है, ये चुनाव मेरी जनता ने लड़ा है। ये चुनाव मैंने नहीं जीता है, ये चुनाव मेरी जनता ने जीता है। ये चुनाव में मुद्दों की जीत हुई है, इस चुनाव में किसानों की जीत हुई है, इस चुनाव में महिलाओं की जीत हुई है, इस चुनाव में युवाओं की जीत हुई है, इस चुनाव में संविधान की जीत हुई है, इस चुनाव में पीडीए की जीत हुई है। और इस जीत का श्रेय मैं अपनी मछीशर लोकसभा की जनता को देना चाहूंगी। इस जीत का श्रेय मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहूंगी। इस जीत का श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूंगी, जिन्होंने इतना भरोसा दिखाया, मुझे लायक समझा कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, काम करेगी। मैं भाजपा वालों की तरह ये नहीं कहूंगी मछीशर लोकसभा को क्योटो, पेरिस, न्यूयॉर्क बना दूंगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि हर एक गांव में अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, हर एक गांव में अच्छा स्कूल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। अगर मैंने इतना कि कहां पे वोट की कमी रह गई है, कहां से मैं मजबूत होना है, पीडीए को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि 2027 में सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ मजबूत होगा। 4 जून को जब रिजल्ट आया, मैं स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकल रही थी सर्टिफिकेट लेके। जब बाहर निकली तो पूरी जनता खड़ी थी, कार्यकर्ता लोग खड़े थे, सभी लोग बहुत उत्सुक थे और मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबका स्नेह और प्रेम मिल रहा था। उसी बीच में पिताजी आए और उन्हें 2 लाइन बोली केवल कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बिटिया को सांसद बनते हुए देखा है। बहुत कम लोग होते जो देख पाते हैं, और वो 2 लाइन जो है मेरी जिंदगी में पल में आए हैं, तो वो आपकी वजह से आया है। मैं बहुत खुश हूं इस समय। इसी तरह एक और पल आया, मुझे याद आया जब मैं 10 साल की थी। 10 साल पहले कई बार ऐसे जब लोकसभा जाया करती थी, जब मैं घुसती तो सिक्योरिटी वाले भैया कहते थे सांसद जी की बिटिया है, और 10 साल बाद जब मैं घुसी हूं तो कहते सांसद जी के पिताजी हैं। और पिताजी के चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो मुस्कान आपकी वजह से आया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कई लोग कहते हैं कि परिवारवाद है, कई लोग कहते हैं क्यों राजनीति में आई हैं आप। मैं यही कहूंगी पिताजी ने कभी नहीं बोला राजनीति में आई आप। उन्होंने हमेशा बोला आप रहिए वहां, अच्छे से पढ़िए लिखिए, पढ़ना जरूरी है। लेकिन जब मैं छोटी थी, दिल्ली से बनारस आती थी, तो वही समय मुझे मिलता था इनसे बात करने का। उस समय मुझे बताया करते थे कि कितना संघर्ष किए हैं, दादाजी की बात बताया करते थे कि किसान वो खेती करते थे और कैसे लाइट ना होने के वजह से दिन में पड़ते थे, कैसे नमक रोटी खा के दिन निकाला करते थे, कैसे हम जातिवाद हमने देखा है अपने साथ होते हुए, कैसे लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया हमारे साथ। उस समय पिताजी मुंबई चले गए थे नौकरी के लिए, चौकीदारी की नौकरी की है, छोटी मोटी नौकरी की है घर चलने के लिए, टिकट के पैसे नहीं हुआ करते थे मुंबई जाने के लिए, और माता जी अकेले हम लोग को संभालती थी। तो मैंने सोचा कितना संघर्ष किया इन्होंने, और 99 में जब पहला चुनाव लड़े तो हमारे पास पैसे नहीं थे, लोगों से चंदा लेके चुनाव लड़ा था, राजदूत से चुनाव का प्रचार करते थे। तो मैंने सोचा जब इनके पास कुछ नहीं था तो आज ये यहाँ पे खड़े हैं, जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों समाज सेवा कर सकती हूँ। उस समय मैंने सोच लिया था कि मुझे जनता मौका देगी तो मैं जरूर समाज सेवा करूंगी, और मेरा सपना आप मेरी जनता ने पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यही कहूंगी सभी लोग को, और हम सब कुछ इतने मंच पे सब बैठे हैं, हम लोग को बैठना नहीं है, सोना नहीं है, हम लोग को अभी आधी लड़ाई लड़नी है, संगठन मजबूत करना है,
ये बात अलग है कि हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन ये बात भी एक सच है कि इस बार विपक्ष मजबूत है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, तो सदन में बैठ के जनता की आवाज उठा सकते हैं। मुद्दा वही रहेगा, चाहे किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी कानून का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, गरीब गरीब अमीर अमीर हो, ये जो डिफरेंस है ये मुद्दा हो, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे पेंशन का मुद्दा हो, और मेरा कर्तव्य बनता कि आपके मुद्दों को सदन में रखूंगी मैं। 10 साल से 2014 में जब हारने के बाद 10 साल पिताजी आप लोग के बीच में हमेशा सुख दुख में खड़े रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल के मैं भी आपके सुख दुख में खड़ी रहूंगी हमेशा आपके साथ। मैं छोटी उम्र में मुझे बहुत कुछ सीखना आप सबसे अभी, और मैं यही करूंगी कि मुझे हर धर्म जात के लोगों ने वोट किया है, मैं अपने अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगी मैं सभी जाति धर्म को साथ लेके विकास करूंगी। मेरा ये मानना आप सबसे कहना है, आधी रोटी खा लीजिए बच्चों को पढ़ाई जरूर कराइए, शिक्षा से हर व्यक्ति मजबूत होता है, शिक्षा रहेगा तो अपनी लड़ाई आप खुद लड़ सकते हैं। और बीजेपी को बहुत करारा जवाब दिया है, जवाब ये दिया है कि अब मंदिर मस्जिद पे वोट मांग लेंगे तो आपको रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, जनता ने इनको जवाब दिया है। अगर विकास के नाम पे वोट देंगे, नौकरी के नाम पे वोट देंगे तो हमें रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। ये कहते हैं अब कि अयोध्या की जनता ने ठीक नहीं किया हमें वोट देके, जनता ने बहुत गलत किया हमें वोट नहीं दिया है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने राम मंदिर जो बनाए हैं वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए बनाया था कि आस्था से बनाया था? अगर आपने वोट के लिए राम मंदिर बनाया था तो आवश्यक आप पूछ सकते हैं और कह सकते हैं जनता ने गलत किया है, लेकिन आपने आस्था से राम मंदिर बनाया तो आपको कोई हक नहीं बोलने की अयोध्या की जनता ने गलत किया है। आप सबको गली मोहल्ले जाके यही बोलना है, यही बताना लोगों को कि संविधान का मतलब क्या होता है। मेरे लिए मेरा जो गीता है वो संविधान है, मैं गाड़ी में संविधान रखती हूँ, अपनी कार में लेकर चलती हूँ, उसको पढ़ती रहती हूँ जब मैं खाली होती हूँ। मुझे लगता है हर व्यक्ति को संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि हमें वोट देने का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 7, ये सारे अधिकार कहाँ से मिले गए? संविधान से मिला गया, और संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। हम सबको बताना पड़ेगा कि संविधान नहीं रहता तो हम सब आज खड़े यहाँ बैठ नहीं पाते, संविधान नहीं होता हम खड़े के बोल नहीं पाते, संविधान नहीं तो हम नेता नहीं चुन सकते, संविधान नहीं तो वोट नहीं दे सकते थे। बहुत सालों पहले कुछ ही वर्ग को अधिकार था पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, लेकिन इस देश में हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से मिला है। इसीलिए मैं कहूंगी हमेशा ऐसा नेता चुनिए, और हमेशा दिमाग में आप रखिए वोट देने के समय कि ऐसा कौन सा व्यक्ति, ऐसा कौन सा नेता है जो सभी धर्म को साथ लेके चल सके। ये बीजेपी वाले बहुत ट्राई किया कि इस पूरी राजनीति में हिंदू मुस्लिम करके, नफरत की राजनीति करके जनता का वोट ले सके, लेकिन जनता ने इनको जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, और इनको ये बताया है कि पढ़े लिखे नेता को आगे आना चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगी कि आने वाले आगे चुनाव 2027 का है, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करना है, और आप लोगों ने जो धूप में मेरे निकल के प्रचार किया है, जो धूप में निकल के वोट दिया है, लोगों को घर से निकाल के वोट दिलवाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी।